नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देखा, आज हमारा जो विषय है वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में हर एक जानकारी को प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रारंभ गौतम बुद्ध, जिनको कि बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, उनके जन्म के साथ ही बौद्ध धर्म के इतिहास की प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बुद्ध जी का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में होता है और कहां होता है? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहां होता है? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, पिता का नाम इनका शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, और यह क्षत्रिय, क्या थे? क्षत्रिय वंश के थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत। जिसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का इनसे विवाह होता है, जिससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। इस गृह त्याग को हम घोड़े के चिन्ह से दर्शाते हैं, जिसको कि बौद्धिक किताबों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। गृह त्याग करने के 6 वर्ष के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होता है। और इनको ज्ञान कहां प्राप्त होता है? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको क्या कहा गया? बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपत्नम में दिया, जिसे कि वर्तमान में सारनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि वाराणसी में स्थित है। इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध साहित्यों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने प्रथम बार कुल पांच शिष्यों को उपदेश दिया। भाषा क्या थी? इन्होंने जिस भाषा में उपदेश दिया वो भाषा पाली थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, अगर संख्या पूछ ले तो 13। मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व में होता है, 80 वर्ष की अवस्था में। चुंद नामक व्यक्ति के शुक्र मत्तव खिलाने के पश्चात स्वास्थ्य खराब हो जाने पर बुद्ध का देहांत हो जाता है, जिसे कि बौद्धिक साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस स्थान पर हुआ था? इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कहां हुआ था? कुशीनगर, जिसे उस समय कुशीनारा के नाम से जानते थे। दोस्तों, बात कर लेते सन्यासी जीवन को प्रेरित करने वाले दृश्य, वो कौन से चार दृश्य थे जिसको देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने की भावना उत्पन्न हुई। वो दृश्य हैं वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति का शरीर यानी कि बूढ़ा आदमी, और बीमार आदमी और मरा हुआ आदमी का शरीर, और एक प्रसन्न चित्त सन्यासी। इनके प्रथम आध्यात्मिक गुरु अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। क्या थे? सांख्य दर्शन के आचार्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इनके आर्य सत्य जो है दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा, यानी कि आर्य सत्य टोटल कितने हो गए? 4। संख्या भी पूछ सकता है, जैसे अष्टांगिक मार्गों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इनको आप याद कर लेना, ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट।
अब ये है घटना और प्रतीक चिन्ह। बुद्ध जी के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को एक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया गया है बौद्धिक साहित्यों में। हम उन चिन्हों के ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे, जैसे कि इनका जो जन्म था उसे कमल एवं सांड के चिन्ह से दर्शाया गया, गृह त्याग को घोड़ा के चिन्ह से दर्शाया गया, ज्ञान प्राप्ति को पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया, निर्वाण को पदचिन्ह से और मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब जो हमारा सबसे मुख्य पॉइंट है वो है बौद्ध संगीतियां। टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी आप सभी जानते हैं कि चार हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि राजगृह नामक स्थान पर हुआ था। शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन थे महाकश्यप, जिन्हें महाकश्यप भी कहा गया है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, स्थान क्या है वैशाली, शासक कालाशोक था, अध्यक्ष सुबुकामी या जिसे साबक मीर भी कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान था पाटलिपुत्र और शासक थे हमारे अशोक और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कि हमारा कुंडलवन। ये कुंडलवन कहां पड़ता है कश्मीर में। कहां है ये कुंडलवन कश्मीर में, स्थान कुंडलवन है कश्मीर में पड़ता है, शासक है कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। इसी अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है बुद्ध चरितम, बुद्ध चरित्रम। ठीक है, बुद्ध जी के अब देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक संघों के नियम, मतलब कि जो बौद्ध संघ था उसमें सम्मिलित होने के पश्चात के जो नियम थे उन नियमों के अंदर रहते हुए ही आपको जो है काम करना था, तो उसे क्या कहा गया विनय पिटक। जो संघ के नियम थे उसे क्या नाम दिया गया विनय पिटक। उपदेशों का संग्रह जिसे सुत्त पिटक कहा गया, उपदेशों का संग्रह जो बुद्ध जी के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए दुख निवारण के और सुखी जीवन व्यतीत करने के, उसे किस नाम से जानते हैं हम सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत, अभिधम्म पिटक में क्या शामिल था दार्शनिक सिद्धांत। और अंत में हमारा है जातक कथा। इन जातक कथाओं में गौतम बुद्ध जी के बचपन की कथाएं शामिल है जो कि लोगों में प्रचलित थी। उन कथाओं का संग्रह करके एक जातक कथा का रचना किया गया जिसे हम जातक कथा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा बौद्ध धर्म, उम्मीद है आपसे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म हमारा कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, तो आप बताएंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। उम्मीद है बहुत ही कम समय में सभी पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश किया है और उम्मीद है कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।